जब कभी आपके रेफ्रिजरेटर में छुरी लग जाएगी तो देखें कंप्रेसर के अंदर पानी चला जाता है, ये सब आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पानी है जो कंप्रेसर के अंदर चला गया, वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, तो इस फ्रिज के ऊपर छुरी लग गई है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो काइंडली जब कभी आप ये छुरी वाला मामला आपके रेफ्रिजरेटर के साथ हो तो आप लोग कोशिश करें कि इसके कंप्रेसर को निकलवा के उसको प्रॉपर वॉश करवाएं और उसके ऑयल को चेंज करने से पहले इसके अंदर से सही तरीके से पानी को निकलवाएं और फिर इसको चार्ज करवाएं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली कोई भी टेक्नीशियन अगर आपको लगा के दे देता है और कंप्रेसर को वॉश नहीं करता है तो 100% इसका कंप्रेसर जल जाएगा और कूलिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी आपके रेफ्रिजरेटर में छुरी लग जाए टॉप वाले साइड पर तो आप लोगों को क्या करना है कि इसके कंप्रेसर का ऑयल चेंज करवाना है और फिर आपके फ्रिज को गैस चार्ज करवाना है। होपफुली आपको हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।